13.5 रोग का पुष्टिकरण। यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसकी अभिव्यक्ति लक्षणों के द्वारा होती है। जैसे किसी व्यक्ति को कमजोरी व हाथ पैर में दर्द की शिकायत हो तो इन लक्षणों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसे कोई रोग है अथवा नहीं। रोग की पुष्टि जांच के द्वारा ही की जा सकती है। वर्तमान में चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनसे शरीर की जांच कुछ ही समय में करके रोगों के कारणों की पुष्टि कर ली जाती है। इस प्रकार की जांच में रक्त, कफ व मल मूत्र आदि की जांच की जाती है। किसी चिकित्सक से पता करें कि उपयुक्त जांचों से क्या क्या जानकारी मिलती है। एक रोग के बहुत सारे लक्षण। हमारे शरीर के अंगों में खराबी परिलक्षित होने पर कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे जुकाम, खांसी, बुखार, दस्त, सिर दर्द, पेट दर्द, हाथ पैर दर्द आदि। इन लक्षणों से किसी न किसी रोग का होना पता लगता है, किंतु यह पता नहीं लगता है कि कौन सा रोग है। उदाहरण के लिए क्षय रोग यानी कि टीवी के कई लक्षण होते हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, सर दर्द, बुखार, वजन कम होना, सांस फूलना आदि। अर्थात एक ही रोग के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। एक लक्षण बहुत सारे रोग में, बहुत सारे रोग में एक ही लक्षण हो सकते हैं। जैसे हमें सिर दर्द हो रहा है, तब हो सकता है कि सिर दर्द का कारण माइग्रेन या जुकाम हो। क्रियाकलाप एक, अपने मोहल्ले में पता लगाएं अभी कितने लोगों को कोई रोग है, उनके नाम तथा डॉक्टर द्वारा बताए गए रोगों के नाम की सूची बनाएं। इन रोगों के लक्षणों की सूची बनाएं, उपरोक्त सूची में जोड़ें। एक ही लक्षण वाले व्यक्तियों में कौन कौन से रोग हैं।